गली गली में शोर है, दिल्ली आदमखोर है। नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं। हमें उम्मीद थी कि वजीर आजम कम से कम हंदवाड़ा के उन कातिल वर्दी पोशों को गिरफ्तार करने का हुक्म देते जिन्होंने हंदवाड़ा को खून से नहाया, लेकिन वो वहां आके कह रहे हैं, अभी जो मैंने खुद टीवी पे देखा, कटरा में वजीर आजम कह रहे थे कि यहाँ के जवान को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जब आपने हंदवाड़ा के सचिन तेंदुलकर को पहले ही कब्रिस्तान की नींद सुला दिया तो आप दुनिया को झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं और हम मोहब्बत जी से कहना चाहेंगे कि आप दिल्ली की एजेंट न बने, और स्पेशली जिस तरह उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के लोग भी कभी एहतजाज करते हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये सारे कातिल हैं कश्मीरियों के, और कश्मीर का तनाजा हल होना चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि रायशुमारी करा के लोगों से पूछा जाए कि क्या वो चाहते हैं। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता ये किलिंग्स होती रहेंगी, और हम फौज से हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि फौज हर जाति को जवाब देती है, अफसफा का बहाना ढूंढकर कहते हैं कि यहाँ पर अफसफा लागू है। अगर आपको याद होगा जब आप हंदवाड़ा आए थे आपने मुझसे सवाल किया था कि मनोहर पारिकर साहब ने कहा कि ये बैंकर नहीं उठेगा। आज मेरी जीत है और आप गलत साबित हो गए। ये आज हंदवाड़ा के लोगों की जीत है, लेकिन एक छोटी सी बिगनिंग है। हम तब खुश हो जाएंगे जब सारी फौज बारकू में जाए और यहाँ कश्मीर मसले के हल के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए। हम तब कहेंगे कि हमारी कुर्बानियां कहीं रंग लाई। चलो भाई।